हेलो गाइस, आई एम बैक। वेलकम टू 4Lakh17 ऑल इन वन। गाइस, आज हम लोग खड़ोली जाने वाले हैं और सुबह के 7 बजे में घर से निकल चुका हूँ। तो मैं आज आप लोग को बताता हूँ आज यहाँ ट्रैवल कैसा करना है खड़ोली जाने के लिए। और वेला अभी तो मैं साइन में हूँ, तो मैं चलो बताता हूँ किस तरह ट्रैवल करना है, कहाँ से कौन सा लोकल पकड़ना है। सो लेट्स सी। सो गाइस, मैं अभी साइन स्टेशन पहुँच गया और यहाँ से मैं एक स्लो लोकल पकड़ने वाला हूँ और उसके बाद कुर्ला जाके चेंज कर लूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ से कौन सा लोकल पकड़ना। ओके, लेट्स सी। अभी मैं कुर्ला स्टेशन पे हूँ और यहाँ से मैं स्लो लोकल पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि फास्ट लोकल हम लोग का छूट गया है। तो अभी आप देख सकते हो 8:08 का लोकल लगा हुआ है। देखो 8:08 का लोकल लगा हुआ है और यहाँ से अभी जाने में एटलीस्ट 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि फास्ट लोकल मिस हो गया फ्रेंड का वेट करते हुए। तो मेरे पूरे ग्रुप है, देखते आप कितनी देर में पहुंचते हैं। मैं बताता हूँ जो जो मेन स्टेशन आएगा मैं आप लोगों को वो भी दिखाते रहूँगा। ओके, चलो फिर देखते हैं। गाइस, अभी मैं कल्याण पहुंच चुका हूँ और यहाँ से अब 4 स्टेशन और रह गए। तो दोस्तों, यहाँ पे और भी गाड़ी आती है, सो इतनी सब में मत चढ़ जाना। कसौरा और हसन गाँव की गाड़ी ही पकड़ना है, सिर्फ ये दोनों गाड़ी ही खड़ोली जाता है। टिकवाला भी मत पकड़ना, करजत भी है, तो ये सब मत पकड़ना। करजत वाली गाड़ी दूसरी रूट में चली जाती है और बाकी जो हसन गाँव और कसौरा है ये खड़ोली जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलो अब मैं खड़ोली स्टेशन उतर के मैं बताता हूँ। 4 स्टेशन आएगा, आंबेवली, सहार, टितवाला, उसके बाद खड़ोली आएगा। तो गाइस, फाइनली आई भी खड़ोली में पहुंच चुका हूँ और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उतर के कुछ इस साइड जाना है। तो मैं आपको चलो बताता हूँ रास्ता किस तरह है। तो फ्रेंड, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल के ये रास्ता अपने को एकदम स्ट्रेट पकड़ना है, कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं है। तो बताता हूँ, गाइज अभी हम लोग खड़ोली पहुंच चुके हैं। जो रास्ता मैं बताया था वहां से एकदम स्ट्रेट चलना है और स्ट्रेट चलने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने मिलेगा। जो देख सकते हो तो पूरा खड़ोली है, मतलब पानी है और इसमें नहाने के लिए और पानी एकदम साफ है, खराब ही नहीं होगा पानी से। बस ध्यान रखना, ज़्यादा अंदर मत जाना, ये तो खतरा भी हो सकता है। तो चलो अब मैं आगे का नज़दीक से दिखाता हूँ आप लोग को और ब्रिज भी घुमाता हूँ मैं, चलो देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी बोला था अभी मैं ब्रिज के ऊपर आके मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ का। तो मैं अभी ब्रिज पे आ चुका हूँ और यहाँ पानी बह रही है, आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत नज़ारा है और बहुत मज़ा आएगा यहाँ। रियली बोल रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड लोग के साथ आए, ग्रुप बना के आए, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे है और आगे ट्यूब भी मिलता है, ट्यूब में भी घूमने में बहुत अच्छा मज़ा आता है।
सो फ्रेंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा नदी यहाँ की, तो देख सकते हो पानी कितना साफ है, पूरा ज़मीन दिख रहा है पानी में। ये ब्रिज है और ये आगे का ब्रिज ये सब टूट गया हुआ है काफ़ी पहले, अभी तक बनाया नहीं है। लगभग हमने जब 9th में तो वो भी टूटा था। बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा रियली। आप पिकनिक के तौर पे आ जाने का और वाटर रिसोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा पानी, इतना साफ पानी है। देख सकते हो किस तरह यहाँ पर नहा दे रही है यहाँ के रहने वाले लोग, और दूर दूर से भी यहाँ पब्लिक आते हैं। फिर जो मेरा वीडियो देखता होगा उनको तो शायद से पता भी होएगा ये खड़ोली है और कैसा आने का है। तो दोस्तों अगर मेरे इस वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि जो जिन लोगों को नहीं मालूम होएगा, जो मुंबई में कुछ नए आए रहेंगे उनको घूमने का शौक होएगा नई जगह पर, कुछ अच्छा जगह पर, तो वो मेरा वीडियो देख के शायद से आ जाए। मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि खारघर का रहेगा, वहाँ झरना रहता है, तो जिस तरह झरने से पानी गिरेगा मैं वो सीन भी आपको दिखाऊंगा। मैं इससे पहले भी जा चुका हूँ वहाँ पे और मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी एक बार वहाँ घूमाऊँ। ठीक है फ्रेंड, अभी तो हम लोग फुल इंजॉय के मूड में है, दोस्त लोग से मस्ती के मूड में, तो देखते हैं आज क्या होता है, मस्ती तो होएगी। और यहाँ चेंज करने के लिए देख सकते हो ऐसे मतलब छोटे छोटे झोपड़े भी बना के रखे ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो, यहाँ आने के बाद खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम है, होटल वगैरह भी यहाँ मिल जाएगा आप लोग को। अगर चाहे तो फ्रेंड लोग के साथ, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, यहाँ कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। देख सकते किस तरह गर्ल्स भी आती है, बॉयज भी आते हैं। फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा यहाँ लहर बहुत भयंकर आती है, मतलब भयंकर नहीं आती है, मतलब जो जिस हिसाब से पानी बहता है उस हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा पत्थर ऊपर नीचे है उसकी वजह से लहर लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा अंदर मत जाना नहीं तो आपको खतरा भी हो सकता है, आप बह भी सकते हो, तो आप तो इतना समझदार तो होंगे ही कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पानी एकदम क्लियर है, पानी एकदम साफ़ है, और यहाँ छोटे छोटे दुकान भी है और यहाँ पर ट्यूब वाला भी है। तो चलो मैं पूछता हूँ ट्यूब वाले से कि क्या प्राइस में देता है ट्यूब और कितने देर के लिए देता है। सो फ्रेंड मैं बताया था मैं ट्यूब वाले से यहाँ पे मिलके मैं पूछूंगा ये ट्यूब कितने का देता है। तो ये ट्यूब कितने का है? 50 का एक घंटा। 50 का एक घंटा देता है। रूम? रूम 150, 200 जैसा आदमी रहेगा वैसा। तो ये कस्टमर के हिसाब से रूम भी दे देते हैं, मतलब कितने देर के लिए देते हो रूम? क्या पूरा दिन का रहता है? पूरा दिन का 24 घंटा। हाँ तो 24 घंटे के लिए देता है रूम, और 100-150। हाँ तो ये कस्टमर देख के अपना प्राइस लगा देते हैं, जैसा कस्टमर रहता है वैसा प्राइस बोल देता है, और पूरे दिन के लिए रूम देता है, और ट्यूब एक घंटे के लिए ना ट्यूब एक घंटे के लिए 50 रुपये में देता है। तो फ्रेंड आओ तो देख लो, ये अंकल एकदम लास्ट में रहते हैं। और मैं बता दूँ जैसे कि यहाँ पे कुएँ जैसा कुछ बना हुआ है, तो जस्ट इसके बाजू में ही अंकल का झोपड़ा बना हुआ है, अच्छे अंकल है, हम लोग को सस्ते में थोड़ा दे दिए, फ्रेंडशिप हो गई है। तो फ्रेंड आना तो प्लीज़ ये अंकल से कांटेक्ट करना, अच्छे अंकल है। सो फ्रेंड मेरे को यहाँ थोड़ा सा घुमाना था किधर पे नहाने के लिए अच्छा है। तो दोस्तों ये जो इसके बाजू में जो ये गड्ढा है इसमें थोड़ा कम पानी है, तो बच्चे लोग इसमें आराम से नहा सकते, बच्चे लोग को कमर तक का आएगा। और यहाँ जो पानी है ये थोड़ा बड़े लोग के लिए, बड़े लोग को यहाँ गले तक आता है, तो इसमें बड़े लोग भी फुल एंजॉय कर सकते हैं। गहरा काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो किस तरह एंजॉय कर रहे थे ट्यूब लेके। और मेरे फ्रेंड लोग तो वहाँ टैंक के पास गए हुए, सो थैंक यू। तो दोस्तों बताना कमेंट करके, सो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और दोस्तों तेरे प्यार देते रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। आज मेरे सब्सक्राइबर 300 हो गए, यानी कि हर रोज़ लगभग 20 से 25 सब्सक्राइबर मेरे रोज़ बढ़ रहे। सो दोस्तों ये आप लोग की वजह से ही हो रहा है, बहुत बहुत का बड़ा थैंक यू आप लोग के लिए। सो और भी शेयर करो और भी प्यार।